नमस्कार दोस्तों, YT भारत के आज के इस वीडियो के दो पार्ट होने वाले हैं। पहले पार्ट में मैं आपको YT भारत के एक ऐसे व्यूअर से मिलवाऊंगा जिन पर पूरे भारत को प्राउड है और मुझे तो उनसे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। वो ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिजनेसमैन हैं, फाउंडर हैं एंड CEO हैं हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज के, जो भारत में मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करने वाले जनक माने जाते हैं। उसके बाद मैं आपको लेकर के चलूंगा धरती के स्वर्ग कश्मीर के बारे में, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं, तो बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं हाईटेक इंस्टीट्यूट के फाउंडर और CEO मनोज मेहंदीरत्ता जी से, जिनकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी ही कम है। पहले उनका रिव्यू देख लीजिए हमारे वेरीफाइड ट्रेवल पार्टनर के बारे में, उनकी क्या राय है, क्या एक्सपीरियंस रहा, और उसके बाद यकीन मानिए आपको भी ट्रस्ट हो जाएगा और आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी मनोज मेहंदीरत्ता जी के इस रिव्यू से आपको मिल जाएंगे। क्यों आपको YT भारत के इस ट्रेवल पार्टनर के थ्रू पैकेज बुक करवाने चाहें, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलते हैं सबसे पहले मनोज मेहंदीरत्ता जी के रिव्यू को आपको दिखाते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हाय, मैं मनोज मेहंदीरत्ता। अभी हम कश्मीर टूर में गए और कश्मीर टूर जो मैंने बुक करवाया, क्रिएट माई बुकिंग गौरव जी के थ्रू बुक करवाया। और हमें जब हम कश्मीर गए, पहले तो हमारी फ्लाइट्स की टिकट कैंसिल हो गई थी जो मैंने खुद से करवाई थी, और गौरव जी ने हमें बहुत सपोर्ट किया। जो बुकिंग थी वो उन्होंने टाइम टू टाइम चेंज करवाई, क्योंकि टिकट कैंसिल होने के बाद हमें आगे बुकिंग करवाई थी। आपने जैसे देखा था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई थी कश्मीर में, बहुत टूर हुआ था, 4-5 दिन तक लगातार टिकट्स कैंसिल होती रही हमारी फ़्लाइट की, और गौरव जी ने उसके हिसाब से हमारे होटल की एडजस्टमेंट भी की। और सबसे अच्छी बात गौरव जी की है कि हमने वहाँ पे टूर को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। गौरव जी को जब भी कॉल मिलाया, उन्होंने हमें जो भी चीज़ पूछी समझी, उन्होंने हमें समझाई और बहुत अच्छे से गाइड किया कि क्या वहाँ पे बेस्ट है, किस तरीके से आप टूर को अच्छे से कर सकते हैं। तो गौरव जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें बहुत सपोर्ट किया। और मैं ये ज़रूर चाहूँगा जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो क्रिएट माई बुकिंग गौरव जी के थ्रू बुकिंग करवाएं और उनके थ्रू ज़रूर जाएं, आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको परेशानी नहीं होगी। थैंक यू गौरव जी, थैंक यू क्रिएट माई बुकिंग, थैंक यू। वीडियो के दूसरे हिस्से में अब मैं आपको कश्मीर के डल झील के बारे में वो सारी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं जो आपको हमेशा से जानने के लिए उत्सुकता थी। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डल झील जम्मू और कश्मीर राज्य के श्रीनगर शहर में स्थित 26 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई विश्व की सबसे प्रसिद्ध झीलों में से एक है। इसे श्रीनगर का गहना या कश्मीर के मुकुट के नाम से भी जाना जाता है। 3 दिशाओं से पहाड़ियों से घिरी डल झील जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। दोस्तों, इसकी लंबाई लगभग 7.44 किलोमीटर है, चौड़ाई इसकी लगभग 3.5 किलोमीटर है और गहराई इसकी लगभग 6 मीटर के आसपास है। आइए अब आपको डल झील की जानकारी व इसके पर्यटन के बारे में जानकारियां उपलब्ध करवा देते हैं। 5 मीटर लंबी और 2.5 मील चौड़ी डल झील श्रीनगर की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। यह श्रीनगर आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। मुख्य रूप से इस झील में मछली पकड़ने का कारण होता है। डल झील में स्रोतों से जो जल आता है, साथ ही कश्मीर घाटी की अनेक झीलें आकर इसमें जुड़ती हैं। झील के 4 जलाशय हैं, गगरीबल, लोकोटल, बोट डल तथा नागिन। इसके अलावा लोकुट डल के मध्य में रूपलंक द्वीप स्थित है तथा बोर्ड डल जलधारा के मध्य में सोना लंग स्थित है, जो इस झील की खूबसूरती को और अधिक बढ़ा देते हैं। हिमालय की तलहटी में स्थित इस झील को यहां पर शिकारा यानी लकड़ी की नाव और हाउस बोट के लिए काफी जाना जाता है, जो आप इस टाइम वीडियो के स्क्रीन में देख भी रहे होंगे।
मैं आपको हाउस बोट का अंदर का पूरा व्यू दिखा रहा हूं और आपको ये भी जानने को आएगा कि बाहर से जो हाउस बोट आपको दिखती है छोटी सी, अंदर से पूरा वो एक तैरता हुआ एक पूरा घर है। आप देखते रहिए, आगे आपको जानकारी और देता हूं। हाउस बोट से डल झील की प्यारी सी सैर की जाती है, जबकि शिकारा से डल झील और हाउस बोट तक आने जाने की सवारी की जाती है। वनस्पति डल झील की खूबसूरती को और निखारती है। कमल के फूल, पानी में बहती कुमुदनी झील की सुंदरता में चार चांद लगा देती है। डल झील की असमान प्राकृतिक सुंदरता और प्राकृतिक परिवेश ही इसे पर्यटकों की पहली पसंद और आदर्श गंतव्य स्थल बना देता है। डल झील का प्रमुख आकर्षण केंद्र तैरते हुए बगीचे हैं। पौराणिक मुगल किलों में यहाँ की संस्कृति तथा इतिहास के दर्शन होते हैं। पर्यटक यहाँ के हाउस बोट या शिकारा पर बैठकर सूर्योदय का आनंद ले सकते हैं। पर्यटक यहाँ आकर पानी में खेले जाने वाले गेम्स का भी मजा उठा सकते हैं। डल झील के पास ही मुगलों के सुंदर एवं प्रसिद्ध पुष्प वाटिका से डल झील की आकृति और उभर करके सामने आती है। कश्मीर के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय झील के तट पर स्थित हैं। शिकारे के माध्यम से सैलानी नेहरू पार्क, कानूटूर खाना, चार चिनारी, कुछ द्वीप जो यहाँ पर स्थित हैं, उन्हें देख सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए हजरत बल तीर्थस्थल के दर्शन करें बिना उनकी यात्रा अधूरी रह जाती है। शिकारे के माध्यम से श्रद्धालु इस तीर्थस्थल के दर्शन कर सकते हैं। डल झील के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता अधिक संख्या में लोगों को और अपनी ओर आकर्षित करती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपको डल झील के बारे में अभी तक जो ज्ञान था उसमें काफी बढ़ोतरी हो चुकी होगी। इसी तरह की और बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देखने के लिए हमेशा की तरह वाईटी भारत पर जुड़े रहें। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और अगले आने वाले वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। We'll be right back.